ने देखा है मेरी बेटी जा रही है, बेटी को सीने से लगा करके और फूट फूट के रोए और एक बात कही, बेटी जा रही हो कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी परिवार मिले। महाराज देवक जी फूट फूट के रोए और जवाब दिया, बेटी तुम जीवन पर खुश रहो। लेकिन महाराज, एक बेटी की जब विदा होती है तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? भाई। उस भाई से पूछा जाए कि भाई अब तू क्यों रो रहा है, जिस बहन को तूने कभी चैन से नहीं रहने दिया, तू उससे झगड़ा करता रहा, बात बात पर उसे मारता रहा, अब तू क्यों रो रहा है? तो वही भैया रो करके कहता है कि भाई तुझे ये लग रहा है कि मैं अपनी बहन से झगड़ा करता था, लेकिन सच में वो हम बहन भाई का वो झगड़ा नहीं था, वो हम बहन भाई का तो एक प्यार था। महाराज, तब वो भाई कहता है, हम बहन भाई में झगड़ा हुआ वो झगड़ा नहीं, हम बहन भाई का वो प्यार था। और रो तो इसलिए रहा हूं, जब भी हमें और मेरी बहन में झगड़ा हुआ, जब जब झगड़ा हुआ तब तब मेरी ही गलती हुआ करती थी। और रो तो इसलिए रहा हूं, झगड़ा होने के बाद थोड़ी देर बाद वही बहन मेरे लिए भोजन की थाली परस के लाई और बोली, भैया खाना खा ले। रो तो इसलिए रहा हूं, लेकिन महाराज बेटी की विदाई में एक शख्स ऐसा होता है जो खुल करके नहीं घुट करके रोता है, वो कौन होता है? एक शख्स ऐसा होता है खुल करके नहीं घुट करके रोता है, कौन होता है? पिता। कौन होता है? पिता। माँ भी खुल के रो लेगी लेकिन पिता अंदर घुट घुट के रोता है। आपने देखा होगा, एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है, महीने दो महीने से बेटी की शादी के लिए भाग दौड़ करना शुरू कर देता है, खाना मिला तो खा लिया, नहीं भूखे ही भाग रहे हैं, पैरों में चप्पल है तो है, नहीं नंगे पैर ही भाग रहे हैं। लेकिन पिता हारता नहीं है, पिता थकता नहीं है, क्यों? क्योंकि घर में एक शक्ति रूपी बेटी बैठी हुई है। बेटी एक शक्ति का रूप है महाराज, घर में एक शक्ति रूपी बेटी बैठी हुई है, लेकिन पिता थकता नहीं है। जिस दिन पिता उस बेटी को घर से विदा कर देता है, उसी दिन पिता चारपाई पर गिर जाता है। अगर टेंट वाले भी आना कि भाई मेरा हिसाब कर दो,
तो पिता रो कर के एक ही बात कहता है, भैया शरीर में शक्ति नहीं है, कुछ दिन बाद आना। क्योंकि घर में शक्ति थी तब तक पिता के शरीर में भी शक्ति थी, और जिस दिन पिता ने उस बेटी को विदा कर दिया तो पिता के शरीर की शक्ति ही चली गई। महाराज पिता एक ऐसा शख्स होता है जिस समय बेटी को विदा किया तब से लेकर और जब तक उसकी अंतिम सांस होती है तब तक बेटी के लिए घुटते घुटते रोता ही रहता है, लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं, दिखावा नहीं करता, वो अंदर ही अंदर घुटता है, अकेले में घुटता है। वो होता है पिता। बेटी को सीने से लगाया और रोकर के बेबक बोले, बाबुल की दुआई लेती जा तुझे सुखी परिवार मिले, पापा की याद न आई कभी, पापा की याद न आई कभी, ससुराल में कितना प्यार मिले। पराई नहीं होती है बेटी, हमारी दृष्टि में पराई होती है लेकिन बेटी पराई होकर भी पराई नहीं होती है। बेटी घर में शयानी होती है, माँ बाप कहते हैं पराई है,
बेटी ससुराल को विदा कर दी जाती है, ससुराल में बेटी पहुंच जाती है तो महाराज शरीर तो बेटी का ससुराल में होता है लेकिन बेटी का मन, बेटी की आत्मा माँ बाप के पास होती है। मेरी माँ ने भोजन किया होगा या नहीं, मेरे भैया मेरी भाभी मेरे बूढ़े माँ बाप को भोजन बना के देते भी होंगे या नहीं, या मेरे बूढ़े माँ बाप ही भोजन बना बना के खाते होंगे। ये होती है बेटी। बेटी पराई होकर भी महाराज पराई नहीं हो पाती है, याद रखना। छाती से लली लगाई लई बोले ससुराल कुजा बेटी, जाकर के आई निभावे